स्पोर्ट बाइट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है टीम इंडिया से जुड़ी हुई। यहाँ पर दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी है उन तमाम प्रशंसकों के लिए, नया ओडीआई कप्तान यहाँ पर चुन लिया गया है। बीसीसीआई ने नया ओडीआई कप्तान भी यहाँ पर चुन लिया है। जैसा कि आपको पता है टी20 वर्ल्ड कप के बाद विराट कोहली ने टी20 कप्तानी छोड़ दी थी और नए कप्तान के रूप में रोहित शर्मा चुने गए थे, लेकिन कयास ये भी लगाया जा रहा था कि ओडीआई कप्तानी भी विराट कोहली छोड़ देंगे। तो दोस्तों जो कयास लगाया जा रहा था वो यहाँ पर सही निकला, विराट कोहली ने ओडीआई कप्तानी भी छोड़ दी है। टीम इंडिया के लिए अगले कप्तान जो होंगे वह रोहित शर्मा होंगे। टी20 और ओडीआई के लिए कप्तान यहाँ पर रोहित शर्मा को कमान दिया गया है और टेस्ट की बात करें तो विराट कोहली टेस्ट की कप्तानी करते नजर आएंगे। तो बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है, रोहित शर्मा को ओडीआई का भी कप्तान बना दिया गया है। तो बात करें वाइट बॉल क्रिकेट और रेड बॉल क्रिकेट के कप्तान अलग अलग यहाँ पर कर दिए गए हैं। विराट कोहली होंगे रेड बॉल क्रिकेट के कप्तान और रोहित शर्मा होंगे वाइट बॉल क्रिकेट कप्तान। तो दोस्तों ये रहा बड़ा अपडेट टीम इंडिया से जुड़ी हुई। चैनल से जुड़े रहें अगले अपडेट तक। अगला अपडेट आपको जल्द ही मिलेगा। जय हिंद।